एक गांधी के जीवन की घटना है। यहीं अहमदाबाद में रहते थे, साबरमती आश्रम में, और उस समय रक्तपीत के दर्दियों के एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए लोग गए और उनसे कहा कि ये रक्तपीत वाले जो दर्दी हैं उनके सेवा के लिए हम अस्पताल शुरू कर रहे हैं, आप उसके उद्घाटन के लिए आइए। और गांधी जी ने जो जवाब दिया था, ये जवाब अगर हम सुनेंगे तो लगेंगे यार कि क्या कैसे थे बाबू, ऐसा जवाब देते हैं क्या, ऐसी अरोगेंसी होती है क्या, पहली नजर में ऐसा लगेगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे उद्घाटन के लिए बुलाने के आए हो, जिस दिन ताला लगाना होगा उस दिन बुलाने में आऊंगा। गांधी जी ने ऐसा कहा। अगर कोई समझ ना पाए उनकी बात को तो उसको झटका लगेगा, यार ऐसा गांधी जी बोलते थे। भाइयों बहनों, गांधी जी का सपना था रक्तपीत के अस्पताल को ताला लगे और उनकी इच्छा थी खुद ताला लगाए, उनकी वो इच्छा खुद तो पूरी नहीं कर पाए। मेरा ये सद्भाग्य था, मैंने उस अस्पताल को ताला लगाया और गुजरात देश का पहला राज्य बना जिसने रक्तपीत इरिगेशन के अंदर सफलता प्राप्त की। मित्रों, गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या शासन व्यवस्थाएं आज काम नहीं कर सकती है? कर सकती है। आज गुजरात देश के अंदर एक राज्य है और आप लोग कभी इंटरनेट पर अब्दुल कलाम जी के भाषण पढ़ोगे तो आमतौर पर हर भाषण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किया एक सरकार ने। और आज मेरे राज्य में 200 साल पुरानी एक जो रक्तपीत अस्पताल थी और दूसरी एक 150 साल पुरानी थी, दोनों अस्पताल को ताले लग गए। सपना गांधी का था, पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला, हमने उसे करके दिखाया। मुझे याद है मैं जब छोटा था, संदेश से तो हम बहुत सी चीजें सुनते थे, सीखते थे, लेकिन आचार्य विनोबा जी के विचारों से प्रभावित डॉक्टर द्वारकादास जोशी मेरे गांव में थे, उनका हमने भाषण सुना था बचपन में। वो सर्वोदय विचार के प्रचार के काम में लगते थे। वो कहते थे भाई ये लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसमें इधर का दल उधर का दल, ये आरोप वो आरोप तो चलता है, समझ सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर जब चुनाव होता है तब गांव दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वो दरार इतनी भयंकर होती है कि गांव बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। गांव के लेवल पर गांव के अंदर एकता बनी रहनी चाहिए, सहमति की राजनीति होनी चाहिए। ये गांधी विचार थे, विनोबा जी उसको प्रकट करते थे और उसको आगे चल करके सर्वोदय के मित्र भी बोलते थे और उनकी इच्छा थी। और हमने भी देखा है कि जब गांव के लोकल लोगों के चुनाव होते हैं तो बेटी भी ससुराल से वापिस भेज देते हैं, तब तुम चुनाव में मेरे सामने थे, ले जाओ तुम्हारी बेटी को। यहां तक हालत खराब हो जाती है। एमपी एमएलए का चुनाव होता है, गांव वाले मतदान करने के बाद फिर इकट्ठे हो जाएगा, अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन गांव के चुनाव होते थे दिनांक। हमारी सरकार ने निर्णय किया जो गांव सर्वसम्मति से अपने प्रतिनिधि पसंद करेंगे उन गांव को हम विकास की राशि देंगे और एक समृद्ध गांव योजना बनाएंगे। और आपको जानकर के खुशी होगी, राजनीति को इतना भद्दा माना जाता है, इतना बुरा माना जाता है, ऐसे माहौल में गुजरात के अंदर, और मुझे याद है मैं 7 अक्टूबर को शपथ लिया था, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था, 11 अक्टूबर को मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री के नाते, और उस दिन मैंने ये समृद्ध गांव योजना घोषित की थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ करीब 7-8 हजार पंचायतों के चुनाव होने वाले थे। 45% विलेजेस समृद्ध बने थे इस चुनाव के माहौल में, और उसके बाद ये निरंतर प्रयास चलता है, 55-60% तक सफलता प्राप्त हुई है। और अनुभव ये आया कि विकास राशि का जितना खर्चा होता है, चुनाव कराने के जो खर्चा होता है उससे वो कम होता है, पैसे बच जाते हैं। यानी गांधी विचार को कैसे आज भी लागू किया जा सकता है, गांधी जी प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण की बड़ी चिंता करते थे। जब साबरमती आश्रम में थे हमने उनकी घटनाएं पढ़ी थी, कोई अगर ज्यादा भी पानी उनके प्याले में डालता था तो डांटते थे,
पहले पूछो भाई, आधा पीने वाला तो पूरा पीना उतना ही डालो, यानी पानी अब उस समय तो साबरमती बहती थी, पानी 24 घंटों के सामने था, लेकिन गांधी जी को दूर का दिखता था कि कभी इसे बाबू दिखने वाली है, और इसलिए वो कहते थे भाई पानी जितना जरूरत से ज्यादा उपयोग इतने वो यानी प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण के लिए इतने सजाग थे उस काम को। वो कहते थे गुजरात के अंदर चेकडैम का एक अभियान चलाया, जल संचय का एक अभियान चलाया, पूरे हिंदुस्तान में वाटर टेबल नीचे गए हैं, अकेला अपवाद गुजरात ऐसा है कि जहां 5 से 7 मीटर तक पानी के वाटर टेबल हो गया। विचार बीज गांधी ने जो कुछ भी कहा था, आप एक एक चीज को देखिए, वो प्रकृति प्रेमी थे। गुजरात हिंदुस्तान दुनिया के अंदर गुजरात अब सोलर एनर्जी का हब बन रहा है, सूर्य शक्ति से उत्पादित बिजली का ये दुनिया का कैपिटल बनने जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग करना, उसका जीवन के अंदर किस प्रकार से जोड़ना, इन सारी चीजों को लाने का प्रयास गुजरात की धरती पर हुआ है। अभी एक महात्मा मंदिर हम बना रहे हैं, गांधीनगर तो बहुत पहले बन गया लेकिन गांधी नजर नहीं आए उस त्रुटि को पूरा करने के लिए, उस त्रुटि को पूरा करने के लिए महात्मा मंदिर बना रहे हैं। वहां एक गांधी गार्डन बनाने का सपना है, 365 दिन की 365 गांधी के जीवन की घटनाओं को, कोई भी व्यक्ति वहां आए तो गांधी को समझना उनको सरल हो जाए, ऐसा एक गांधी गार्डन बनाने की योजना वहां पर हम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज भी अंत्योदय की चिंता करनी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करनी है, जैसे हमने एक योजना बनाई सर्वयोगी, हर गांव के आखिरी छोर के सबसे गरीब 5 परिवार को सिलेक्ट करना और उनको गरीबी की रेखा से बाहर लाने का प्रयास करना, लगातार इस काम को करते रहते हैं। हर वर्ष ऐसे 5 परिवारों को टारगेट करके सारी सुविधाएं उनको देकर के उनको गरीबी, अब ये गांधी जी के अंत्योदय के सपने थे, आखिरी छोर के व्यक्ति की चिंता करने के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास, और हिंद स्वराज में जो सपने उन्होंने देखे थे, देश की आजादी को तो बहुत साल हो गए लेकिन मुझे विश्वास है कि अब शायद उन सपनों का सही होने की संभावनाएं पैदा हुई है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत के विकास के लिए, भारत की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए भारत का विकास, भारत के आत्मा को नोच करके हम भारत का विकास नहीं कर सकते, और वो करने की कोशिश करेगा तो भी विफल हो जाएगा, और आज तक की विफलता का मूल कारण भी वही है कि भारत की आत्मा को नौच करके प्रगति करने का प्रयास किया गया। हिंद स्वराज में भारत की आत्मा की जो चर्चा हुई है, इस देश की संस्कृति की विरासत की जो चर्चा हुई है, उस विरासत के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस संस्कारों को लेकर के हम पले बढ़े हैं, हमारा सौभाग्य है हमें एक संस्कार धारा से निकलने का अवसर मिला है, और इस प्रकार के विचारों का जब लाभ मिलता है तब, और जब सेवा का अवसर मिला है तब, उन सबका त्रिवेणी संगम समाज के हित काम आए उसी बात को लेकर के कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।